स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज आप नेचुरली समझ गए होंगे मेरे हाथ में मार्कर नहीं है। आप समझ गए होंगे कि आज मैं आपको मैथ्स फिजिक्स से हट के कुछ और बात करने जा रहा हूँ। आज का मेरा जो वीडियो है, आज का जो मेरा सेशन है, कम्प्लीटली इस बात पर फोकस है कि हमारी पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए। मैं आपको अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये बता दूँ, यदि मेरे वीडियो स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो प्लीज़ उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखने के बाद इमीडिएट इस वीडियो को आप अपने पेरेंट्स को भी दिखाइए, और यदि पेरेंट्स देख रहे हैं तो आप देखने के बाद इमीडिएट आप अपने बच्चे को दिखाइए। क्योंकि आज का जो लेक्चर है मैं 2 पार्ट में डिवाइड करके आपके पास रिप्रेजेंट करूँगा। सबसे पहले मैं पेरेंटिंग पर बात करूँगा कि किसी बच्चे को सक्सेस कराने के लिए हमको किस तरह की पेरेंटिंग चाहिए, और दूसरा सेशन में आपसे बात करूंगा कि स्टूडेंट्स को सक्सेस होने के लिए, अपने लाइफ में कुछ बनने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। इससे पहले कि मैं आपसे इस विषय पर बात करूं, मैं एक छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करूंगा। एक्चुअल में ये स्टोरी हकीकत है। आपने थॉमस एल्वा एडिसन का नाम सबने सुना होगा, दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक। आज भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा आविष्कार का नाम थॉमस एल्वा एडिसन के नाम है। थॉमस एल्वा एडिसन जब छोटे थे, जब वो स्कूल में पढ़ते थे, तो एक दिन क्या हुआ, उनके टीचर ने, उनके प्रिंसिपल ने उनको बुला के उनको एक लिफाफा दिया और बोला कि एडिसन, ये लिफाफा तुम जाके अपनी मम्मी को दे देना। एडिसन उस लिफाफा को लेकर घर आते हैं, बंद लिफाफा था, और एडिसन ने अपनी मम्मी को लिफाफा दे दिया। जैसे ही उसकी मम्मी ने वो लिफाफा ओपन किया, उसको रीड किया, पढ़ा, तो मुस्कुराई और लिफाफा को बंद करके रख दी। एडिसन ने पूछा कि मम्मी, हमारे प्रिंसिपल ने आपके लिए क्या मैसेज दिया, लिफाफा लेटर में क्या लिखा हुआ है। उनकी मम्मी ने, पता है क्या बोला, उनकी मम्मी ने बोला कि बेटा, आपके प्रिंसिपल ने लिखा है कि एडिसन साइंस में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत जीनियस है, और हमारे स्कूल में ऐसा कोई टीचर नहीं है जो एडिसन को पढ़ा सके, इसलिए हम उसको प्रॉपर गाइड नहीं कर पा रहे हैं, इसको किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन आप दिलाइए या फिर आप खुद से उनको पढ़ाइए, क्योंकि एडिसन एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। बात हो गई, बात ख़त्म हो गई। एडिसन ने जिंदगी भर अपने माँ के इस कमेंट्स को अपने दिमाग में बिठा के रखा कि मैं साइंस में जीनियस हूँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूँ। आगे बहुत लंबी कहानी है, आगे पूरी दुनिया को पता चला कि एडिसन क्या हुए, उन्होंने दुनिया को क्या दिया, उन्होंने बल्ब दिया, अंधकार दूर किया। बहुत समय बाद जब एडिसन कहीं बाहर थे, उनकी मम्मी का डेथ हो जाता है। जब एडिसन घर आते हैं, घर आने के बाद एडिसन अपनी मम्मी के सामान को जब समेटते हैं तो उनके पास एक बॉक्स होता है। उस बॉक्स को जब ओपन करते हैं तो बॉक्स के अंदर वो लिफाफा जो बचपन में उनके प्रिंसिपल ने उनको दिया था वो उस बॉक्स में रखा होता है। एडिसन के मन में जिज्ञासा होती है कि इसके अंदर के लेटर को निकाल के मैं पढ़ूं। जैसे ही एडिसन उस लेटर को निकाल के पढ़ा तो आप ये बात सुन के चौंक जाएंगे कि उस लेटर में क्या लिखा था। उस लेटर में लिखा था कि एडिसन साइंस में बहुत कमज़ोर है, वो इतना पुअर है कि हम अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, इसकी पढ़ाने की व्यवस्था आप खुद कर लीजिए। एडिसन के आंखों में आंसू आ गए। स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं कि पेरेंट्स के एक कमेंट्स में कितना दम होता है, और हम इन चीज़ों को बिल्कुल भी माइंड नहीं करते, और हम अपने बच्चों से उनके छोटी सी असफलता पर बहुत निगेटिव कमेंट्स करते हैं, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, और बच्चा धीरे 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 इतना निगेटिव हो जाता है कि एक्चुअल में उसमें कर सकने की जो क्षमता होती है वो भी समाप्त हो जाती है। आज मैं अपना कंप्लीट लेक्चर इस बात पर फोकस करूँगा कि एक पेरेंट्स की तरह हम अपने बच्चों को किस तरह से सक्सेस करने के रूट में आगे ले जा सकते हैं। देखिए, मैं टेक्निकल साइकोलॉजी कर आपसे बात करूं तो हमारी जो पर्सनालिटी होती है, हमारी जो कंप्लीट पर्सनालिटी होती है, वो 5 लेवल्स में मिलके बना होता है, जिसमें से पहला लेवल है हमारे जन्म से पहले का लेवल। जब हम अपनी माँ के गर्भ में होते हैं तब भी हमारी पर्सनालिटी का फॉर्मेशन होते रहता है। मैं अब आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा।
सेकंड हमारी पर्सनालिटी होती है 0 to 5 years। पैदा होने के बाद, इस दुनिया में आने के बाद से 5 साल की उम्र तक हमारी पर्सनालिटी में कैसे चेंजेस आते हैं और क्यों आते हैं, किस तरह के चेंजेस आते हैं। तीसरा स्टेज होता है 5 to 12 years, 5 से लेकर 12 साल तक का उम्र। और चौथा स्टेज होता है 12 साल से लेकर हमारे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, लगभग 22-23 साल की उम्र तक का। और पांचवा स्टेज होता है आफ्टर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। मैं एक एक करके इस इंटरवल को आपसे 2-2 मिनट में शेयर करूं। तो सबसे पहले पैदा होने से पहले की हमारी पर्सनालिटी, ये बात बायोलॉजिकली प्रूफ है, साइंस से प्रूफ है ये बात, कि जब हम अपनी माँ के गर्भ में होते हैं तो हमारे ब्रेन का, हमारे पर्सनालिटी का भी इम्प्रूवमेंट होते रहता है। जब हमारे फिजिकल ग्रोथ होते रहते हैं, जब हमारे हाथ पैर उंगली नाखून बाल बढ़ते रहते हैं, तो नेचुरली हमारे ब्रेन के सॉफ्टवेयर का भी डेवलपमेंट होते रहता है। उस दौरान माँ जैसा सोचती है, माँ जैसा करती है, जैसे इन्वायरमेंट में रहती है, वो सारे चीज़ों का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है और इन चीज़ों से हमारी पर्सनालिटी का फॉर्मेशन, दैट इज़ अवर परमानेंट फिक्स्ड पर्सनालिटी। इस पर्सनालिटी को हम दुनिया में आने के बाद ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, वो हमारा परमानेंट सॉफ्टवेयर है हमारे ब्रेन का। तो इस पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, इस पर बहुत लंबा डिस्कशन है मेरा, इस पर 1 घंटे का लेक्चर है कम से कम, तो मैं 60 में बस इतना बता दिया। सेकंड, मैं आगे बात करूँ पेरेंटिंग पर, तो हमारी दुनिया में आने के बाद 0 years से लेकर 5 years तक की हमारी जो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है, कम्प्लीटली वो इन्वायरमेंट का नकल करके होता है। एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिए कि बच्चों को सिखाया नहीं जाता, बच्चे नकल करते हैं, कॉपी करते हैं। आपने बचपन में अपने बच्चे को या अपना खुद का बचपना याद, या आपको थोड़ा बहुत याद हो तो आपको याद होगा कि हम लोग हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे आसपास जो कुछ भी होते रहता है, हम उसका नकल करते हैं। मम्मी जैसा करती है, पापा जैसे करते हैं, घर के और मेंबर्स जैसा जैसा करते हैं, एक छोटा बच्चा उनका नकल करता है। दैट मीन्स 0 से 5 years तक की हमारी पर्सनैलिटी कॉपी करके डेवलप होता है, नकल करके डेवलप होता है। नेचुरली आप बात समझ रहे होंगे कि यदि हम इस दौरान, यदि उसके सराउंडिंग में एक हेल्दी एटमॉस्फेयर डेवलप करें, एक ऐसा एटमॉस्फेयर डेवलप करें कि बच्चा नकल करके जो सीख रहा है वो पॉजिटिव हो, दैट मीन्स मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस उम्र में बच्चों के सामने कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए जिसके कारण उसके मन में कोई निगेटिविटी आए, कोई ऋणात्मक प्रभाव पड़े। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि पेरेंट्स ऐसा बिहेवियर करें उस दौरान जो बच्चों, आप ऐसा मत समझिए कि हम जो भी एक्शन कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, उसका बच्चे पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। एक्चुअल में हमारा बच्चा तैयार हो रहा है और हम उसको बिल्कुल भी माइंड नहीं करते, हम अवॉइड करते हैं, हम ये समझते हैं कि छोटा बच्चा है क्या समझेगा। बहुत बड़ी गलती करते हैं अपन। एक्चुअल में हम इस दुनिया को जो एक इंसान, एक व्यक्ति देने वाले हैं, उसका स्टार्टिंग हो चुका रहता है। तो सबसे पहले इस दौरान हमको केयर करने की ज़रूरत है। मैं मैच्योर लेवल पर आने पर अपने डिस्कस को थोड़ा सा करूँगा, आप बातों को समझ गए होंगे। सेकंड स्टेज में मैं बात करूँ तो 5 से लेकर 12 साल, 5 to 12 years तक का जो सिचुएशन होता है, जब बच्चा स्कूलिंग स्टार्ट करता है, स्कूल जाता है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा उसको प्रभावित करते हैं स्कूल के इन्वायरमेंट, स्कूल के टीचर्स कैसे हैं, स्कूल का कैंपस कैसा है, जिन बच्चों के साथ वो खेलता है, उनके जो फ्रेंड्स हैं वो कैसे हैं। तो सेकंड नंबर में हमारी पर्सनालिटी में जिन चीज़ों का समावेश होता है, जो हमारी पर्सनालिटी में आता है, वो हमारा वो इन्वायरमेंट है। इस दौरान पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी है, अब हम बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, अब वो 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे स्कूल से होके आ रहा है, और आपको इस बात का एक्सपीरियंस होगा कि जब बच्चा स्कूल से आता है, सपोज़ उसके टीचर ने उसको कोई चीज़ गलत पढ़ा दिया, ये मेरे खुद के लाइफ का अपने बच्चों के साथ में रियल एक्सपीरियंस है कि सपोज़ बाय मिस्टेक किसी टीचर ने उसको किसी मैथ्स के प्रॉब्लम को गलत तरीके से सॉल्व करा दिया और मैंने उसको करेक्ट किया, तो पता है मेरे बच्चे ने मुझे क्या बोला, पापा आप गलत हैं, मैडम ने सही बताया है। दैट मीन्स स्कूल का, स्कूल के टीचर्स के फ्रेंड्स के जो हमारे मस्तिष्क में जो प्रभाव पड़ता है, वो 5 से 12 साल की उम्र तक बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसलिए यहाँ पर पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो प्रॉपर सुपरविजन करें कि हमारा बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है, टीचर्स कैसे हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है उनके फ्रेंड्स कैसे हैं। क्योंकि मैंने देखा है, मेरा 22 years का टीचिंग एक्सपीरियंस है, मेरा 24 घंटा सिर्फ आप लोगों के साथ, दैट मीन्स स्टूडेंट्स के साथ, बच्चों के साथ बीतता है। तो जो भी मैं बात आपसे कर रहा हूँ वो मेरा किसी बुक से पढ़ा हुआ नहीं है, न इसको मैंने लेक्चर तैयार किया है, ये मेरा लाइफ का रियल एक्सपीरियंस है, जो मैंने आपसे सीखा है, जो मैंने बच्चों से सीखा है।
तो यहाँ पर बच्चा सबसे ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और स्कूल के इन्वायरमेंट से सीखता है, लेकिन यहाँ पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी है कि वहाँ एक अच्छे सुपरविज़न की ज़रूरत है बच्चे को, कि हम उसको साइलेंट वॉच करें और जहाँ भी हमको गलत लगता है वहाँ पर इस उम्र में बच्चों को ट्रीटमेंट का दो तरीका हो सकता है। आप फोर्सली आप उसको डांट के चिल्ला के कुछ हल्का फुल्का फिजिकल पनिशमेंट दे के भी आप उसको चेंज कर सकते हैं। तीसरा चौथा जो स्टेज होता है वो है 12 साल के बाद। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है आदमी के लाइफ में, जो सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन आता है वो 12 साल के बाद। मैंने इस बात को बहुत डीपली स्टडी किया है, मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी हुई है। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब बच्चा 12 साल का नियर अबाउट वो 7th, 8th, 9th क्लास में जब पहुँचता है तो उसमें जो चेंजेस आता है बहुत फास्ट आता है। यदि आप उसकी पर्सनालिटी पर ग्राफ बनाएं तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आता है, बहुत फास्ट, बहुत तेज़ी से उसमें चेंजेस आते हैं। ये चेंजेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। देखिए, इस उम्र में बच्चा जब 8th, 9th क्लास में आता है तो वह दुनिया को अपनी नज़र से धीरे धीरे देखने का, खासकर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टाइम में ये और बहुत तेज़ी से होता है, क्योंकि उसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स के सिवाय और भी रिसोर्सेस मिलते। हम लोग के टाइम में सारे इन्फॉर्मेशन हमको अपने पेरेंट्स से, टीचर से, अपने फ्रेंड से मिलते थे, लेकिन आज उसके पास इन्फॉर्मेशन के और बहुत सारे इनफाइनाइट रिसोर्सेज हैं जहाँ से उनको ये सब जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो 12 साल के बाद बच्चों में सुपरविज़न बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर होना चाहिए। अब आपको बच्चे के साथ में ट्रीटमेंट काउंसलिंग ज़्यादा करना है, पनिशमेंट और उसको फोर्सली चेंजेस को कम करना है। इस दौरान अब उसके लाइफ में मोबाइल आएंगे, टेलीविज़न आएंगे, इंटरनेट आएगा और बहुत से ऐसे फ्रेंड्स आएंगे जो उसको डाइवर्ट कर सकते हैं। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इस उम्र में बच्चे का खुद का सोच एक डेवलप होता है। यदि आप अपने विचारों को उस पर थोपेंगे तो हो सकता है मैक्सिमम टाइम में क्या करेगा, आपको अपोज करेगा वो, आपका विरोध करेगा वो। और यदि आप उसके विरोध से एक्साइटमेंट में आएंगे तो एक कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाएगा जो फार इवर आप दोनों के लाइफ में क्रिएट हो जाएगा और फिर आप उसकी रिकवरी जीवन भर नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस दौरान आप उसको सही और गलत के बीच के लिए काउंसलिंग करिए, उसके साथ बातचीत करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने बच्चों को जितने आदर्श की बात करते हैं कोशिश करिए कि आप उसके सामने खुद भी उसको फॉलो करिए। कई बार क्या होता है कि हम बच्चों को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं लेकिन उन अच्छे चीज़ों को हम अपने लाइफ में अप्लाई नहीं करना चाहते, तो बच्चा हमको साइलेंट वॉच करता है, हमारा विरोध नहीं करता, लेकिन उसके दिमाग में क्वेश्चन क्रिएट होता है कि पापा ये बोलते हैं, मम्मी ये बोलते हैं, लेकिन खुद तो ऐसा नहीं करते। हम उनको सवेरे उठने की बात करते हैं लेकिन खुद देर तक सोते रहते हैं। तो ये जो हमारे एक्टिविटी के साथ में मिसमैच होता है बच्चे के साथ, वो उसके अंदर वो प्रॉपर वो मैसेज नहीं दे पाता। 9th और 10th क्लास में बच्चे में सबसे ज़्यादा परिवर्तन आता है, ये मैंने बहुत डीपली वॉच किया है। फिर बच्चा यदि 10th क्लास और 9th क्लास में आपने बच्चे को बहुत प्रॉपर तरीके से हैंडल किया है, आप उसके फ्रेंड्स की इंक्वायरी करिए कि कैसे कैसे लोगों के बीच में उठता बैठता है, क्या करता है। यदि उसके फ्रेंड्स उसको बुलाने आते हैं तो आप उसको गली में खड़े होकर बात करने मत दीजिए, आप उसके फ्रेंड्स के साथ रेस्पेक्ट से घर के अंदर बुलाइए, आप अपने डाइनिंग में उसको बिठाइए और उसको बिठा के उसके फ्रेंड्स के साथ आप खूब चर्चा करिए, आप खुद उनके साथ में इन्वॉल्व होइए, ताकि पता चले कि उसका फ्रेंड्स कैसा है और उनके बीच में किस तरह का डिस्कशन होता है। जनरली बच्चे बुलाने आते हैं फ्रेंड्स को, बाहर गली में बुला लेते हैं या साथ में ले जाते हैं और उसके बाद फिर उसके साथ हम ध्यान भी नहीं देते कि किस तरह के लोग उनके साथ आ जा रहे हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको हमको करने की ज़रूरत है। 10th क्लास के बाद जब बच्चा 11th क्लास में जाता है तो पढ़ाई के दृष्टि से भी मैं बात करूँ तो सिलेबस उसके नियर अबाउट 4 times ज़्यादा हो जाते हैं। अब उसके ऊपर पढ़ाई का बर्डन भी आता है, पढ़ाई के बर्डन के साथ साथ धीरे धीरे अपने करियर के बारे में भी सोचने लगता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात होता है कि हम अपने बच्चे के इंटरेस्ट को सर्च करें कि एक्चुअल में मेरा बच्चा किस दिशा में जाना चाहता है। कई बार हम अपने एम्बिशन को, हमारे अंदर जो दमित इच्छा है, जो हमने अपने लाइफ में नहीं कर पाया, जो हमने अपने लाइफ में मिस किया, उसको हम अपने बच्चे के थ्रू कराना चाहते हैं। ये एक पेरेंट्स का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि जो मैं नहीं कर पाया उसको मैं बच्चे से कराना चाहता हूँ, उसको सक्सेस कराना चाहता हूँ। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में जितना भी इंसान आया है वो सब यूनिक है, वो कुछ नया करने आया है, वो बड़ा नहीं कर पाया, वो सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाया, वो कलाम जी नहीं बन पाया, वो अमिताभ बच्चन नहीं बन पाया, वो लता मंगेशकर नहीं बन पाया। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमने समय रहते उसके टैलेंट को, उसके इंटरेस्ट को सर्च नहीं किया। अदरवाइज हर बच्चे के अंदर असीमित क्षमता है। हम मिस कहाँ करते हैं कि हम उसके रियल इंटरेस्ट को
वाच नहीं कर पाते। वो बनना कुछ और चाहता है, हम बनाना कुछ और चाहता है। वो बीज गेहूं का होता है, हम उसे कपास पैदा करना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए टेंथ के बाद इलेवंथ और ट्वेल्थ क्लास में आप अपने बच्चे के इंटरेस्ट को सूक्ष्मता से वाच करिए। यदि आप नहीं कर पाते तो आपके आसपास में टीचर्स हैं, कोई काउंसलर है, कोई इन चीज़ों की जानकारी रखता है, उनके साथ में आप डिस्कस करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि बच्चे से खुद पूछिए। इस दुनिया में ऐसा कोई फील्ड नहीं जहाँ पर आप हाइट में नहीं जा सकते। आप एक फील्ड मेरे को बता दीजिए जहाँ पर हम असीमित ऊंचाई तक नहीं जा सकते। प्रॉब्लम यह है कि हम अपने इंटरेस्ट का फील्ड डिसाइड नहीं करते और हम बच्चे को बनाने में लग जाते हैं, जबकि हमारे अंदर इतनी कोई क्षमता नहीं हम किसी को बना सकें। हम सिर्फ उसकी दिशा दे सकते हैं, उसको एक एनर्जी, एक पोटेंशियल दे सकते हैं, उसको इन्वायरमेंट दे सकते हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। बनाने की क्षमता हमारे अंदर नहीं होती, लेकिन हम भिड़े रहते हैं उनको बनाने में। इसके बाद जब आप ट्वेल्थ क्लास तक बच्चे को परफेक्ट तैयार कर लेते हैं, इतनी मैच्योरिटी उसके अंदर आ जाती है, फिर वो कॉलेज में या फिर कहीं बाहर पढ़ने चला जाता है, तो अब उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है उसके स्वयं के विचारों से, कि उसके अंदर खुद कैसे विचार आते हैं। और ये पूरा उसके बैकग्राउंड पर डिपेंड करता है कि जीरो ईयर से लेकर ट्वेल्थ क्लास के पास होते तक उसके साथ जिस तरह का ट्रीटमेंट हुआ है उनको आगे फ्लो करता है। अब उसकी पर्सनालिटी धीरे धीरे रिजिड होती जाती है। बचपन में हमारी पर्सनालिटी फ्लेक्सिबल होती है, लचीला होता है, हम बहुत जल्दी उसमें चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन बाद में उसमें चेंजेस लाना बहुत मुश्किल होता है। अब वो बन चुका होता है, अब वो डिसाइड कर चुका होता है मुझे ये करना है, ये बनना है, उसके बाद आपको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे के अंदर ये सब चीज़ अपने आप पैदा हो जाता है। तो डियर पेरेंट्स, मैं यहाँ पर आप लोगों से बहुत शॉर्ट में ये जो डिस्कस किया कि किस तरह से, और मैं अपने वीडियो में इस तरह से आपसे बात करते रहूँगा। अब मैं अपने दूसरे सेशन में स्टूडेंट्स के लिए बात करूँ। अब मेरा दूसरे सेशन में जो फोकस करता हूँ वो स्टूडेंट्स के लिए। आज स्टूडेंट्स के सामने एक बड़ा चैलेंज है अपना करियर बनाने के लिए, सक्सेस होने के लिए। और आज मैं कम्प्लीटली इस बात पर डिस्कस करूँगा कि हमारे लाइफ में डिस्ट्रक्शन किस टाइप के आते हैं और उनको कैसे हमको रिमूव करना चाहिए। क्योंकि सक्सेस मैंने पेरेंट्स पर बात किया, पेरेंट्स ने अपनी जिम्मेदारी कंप्लीट की, लेकिन उसके बाद हम सक्सेस नहीं हो पाते तो हम कहाँ कहाँ मिस्टेक करते हैं। तो आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रक्शन पर बात करूँगा, जिसमें सबसे पहले पॉइंट पर मैं फोकस करूँगा हमारे टेक्नोलॉजी पर। देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी हमारे सामने आता है, मैं खुद फिजिक्स मैथ्स का टीचर हूँ, मैं टेक्नोलॉजी से प्यार करता हूँ, मुझे टेक्नोलॉजी अच्छा लगता है, टेक्नोलॉजी के बेस पर ही हम हाइट में जा पाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि हम उसका कहीं मिसयूज़ तो नहीं करते। तो आज स्टूडेंट को मैंने देखा है कि वो टेक्नोलॉजी का 90% से ज़्यादा बच्चे मिसयूज़ करते हैं। इंटरनेट, मोबाइल, टेलीविज़न, कंप्यूटर, लैपटॉप पर इतना ज़्यादा वक्त देते हैं कि उनके कारण उनका स्टडी आवर्स बहुत डिक्रीज हो गया और वो स्क्रीन फोबिया के शिकार हो गए हैं। बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम यह है कि उनके बिना वो नहीं रह सकते। ये सब उनके लाइफ में आया कैसे? मैं यहाँ पर यह कहूँ कि हम इसको लाइफ से कम्प्लीट हटा दें तो गलत होगा, क्योंकि आजकल खासकर जिस दौर पर, आज जिस टाइम पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये कितना हम डिफ़िकल्ट टाइम को हम अभी से गुजर रहे हैं कि पूरा दुनिया, हमारा देश कोरोना के प्रॉब्लम से जूझ रहा है। बच्चे मोबाइल पर स्टडी कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किए हुए हैं, यूट्यूब पर हमारे चैनल से अपना लेक्चर कम्प्लीट कर। यहाँ पर मैं बोलूँ कि आपको टेक्नोलॉजी से बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए तो गलत होगा, और ये मैं कहूँ कि आप पूरा उसमें डूब जाइए, उसमें पूरा इन्वॉल्व है तो भी गलत होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है मध्यम मार्ग, जो मिडिल रूट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपको मोबाइल को यूज़ करना होगा। मैं मना नहीं करता कि आप मत करिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपको इस टाइम में खासकर उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो आप उसका एक प्रॉपर शेड्यूल बना के, और यदि आप पढ़ते भी हैं, मेरे खुद YouTube चैनल से आप मैथ्स फिजिक्स पढ़ते होंगे, तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सजेस्ट भी कर रहा हूँ कि आप उसको क्लासरूम की तरह आप यूज़ करिए। कि सपोज़ करिए कि आपका क्लासरूम है, आपके सामने टीचर खड़े हैं, आपको उसी डिसिप्लिन में उतने ही देर में 30 मिनट का, 35 मिनट का, 40 मिनट का वीडियो है, तो एक क्लास के लेक्चर की तरह ध्यान से उसको पढ़िए। रफ कॉपी पेन रख के आप उसको नोट डाउन करिए, और आप वीडियो लेक्चर बंद करने के बाद उसको रिविज़न करिए, अपने बुक से स्टडी करिए। ऐसा नहीं कि उसके बाद फिर आप पूरा दूसरे फील्ड में चले गए, फिर आप YouTube में दुनिया भर के बकवास रिसर्च कर रहे हैं। देखिए, पूरी दुनिया में हर जगह पॉजिटिव निगेटिव चीज़ों का पूरा समावेश है। सवाल यह है कि आप किन चीज़ों को एडाप्ट करते हैं। तो पहला मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि आपको टेक्नोलॉजी को केयरफुली यूज़ करना है। कलाम जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है
कलाम जी मेरे खुद के मेरे लाइफ के रोल मॉडल हैं, मैं उनकी एक एक बातों को अपने लाइफ में फॉलो करने का कोशिश करता हूँ। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि आप अपने सक्सेस की गारंटी नहीं ले सकते, आप अपने सक्सेस के बारे में नहीं बता सकते, बट आप अपने हैबिट की गारंटी ले सकते हैं। यदि आपने अपने लाइफ में गुड हैबिट डेवलप किया जो कि आपके हक में है, आपके हाथ में है, तो आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं, आप सक्सेस हो सकते हैं। सफलता आपके हाथ में नहीं है, बट हैबिट्स आपके हाथ में है, हैबिट तो आप डेवलप करोगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा आपको सजेशन है कि टेक्नोलॉजी को प्रॉपर यूज़ करिए। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, हमारा कमिटमेंट पर हम कितना फॉलो करते हैं। कमिटमेंट का मतलब यहाँ पर मैं बोलूँ कि जैसे हमको सवेरे 5 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, जनरली हम अलार्म डालते हैं। बहुत छोटी बात करूँगा लेकिन बहुत टेक्निकल बात है। वहाँ पर हम क्या करते हैं, अलार्म बजने के बाद उठने वाले स्टूडेंट्स की 3 कैटेगरी होती है। पहला, अलार्म बजा और इमीडिएट वो बेड छोड़ दिया और उठ गया। दूसरा कैटेगरी है, उसने अपने मोबाइल को स्नूज पर रखा हुआ है, आफ्टर 5 मिनट, आफ्टर 10 मिनट वो अगेन साउंड करेगा और हम उठेंगे, दूसरी कैटेगरी है। तीसरा कैटेगरी है, अलार्म तो रात को डाल के सोता है कि मुझे सवेरे उठना है, और जैसे बजा तो उसको बहुत गुस्सा आता है, इमीडिएट बंद करता है, दोबारा सोता है, फिर 2 घंटे बाद उठता है। सक्सेस के भी यहाँ 3 कैटेगरी है। पहला कंडीशन बताया, मेरी गारंटी हो सक्सेस होगा। दूसरा कैटेगरी डाउटफुल है। तीसरा कैटेगरी के सक्सेस में बहुत ज़्यादा डाउट है। आप 5 बजे नहीं उठ सकते तो 6 बजे का अलार्म डालिए, लेकिन शर्त यह है कि अलार्म बजते ही आपको उठना है। दैट मीन्स आप अपने कमिटमेंट को सवेरे उठते समय ही फॉलो करिए। और एक इम्पॉर्टेंट आपको बात बता रहा हूँ, इसके बाद अपने लेक्चर को कम्प्लीट करूँगा, कि आप लाइफ में 2 काम जरूर करिए सक्सेस होने के लिए। सवेरे उठते ही आप कहीं एकांत में बैठिए, आप अपनी स्टडी टेबल में बैठिए और आप अपने पूरे दिन भर का एक शेड्यूल बनाइए कि आज मुझे किस किस समय क्या करना है। हो सके तो आपको याद ना रहे तो छोटे से रफ कॉपी में और पैड में आप उसको नोट करिए, और कोशिश करिए कि पूरे दिन आप उसको फॉलो कर सकें। और जब आपका दिन बीत जाए और जब आप सोने के लिए बिस्तर में जाएँ तो 5 मिनट एकांत में बैठ के फिर उसको सोचिए कि सवेरे मेरा खुद के लिए खुद का जो कमिटमेंट था उसको मैंने कितना परसेंट पूरा किया। और यदि इसको आप 80%, 90%, 100% पूरा करने के कंडीशन में यदि आप आ रहे हैं, मेरी गारंटी है कि आपने लाइफ में जो भी टारगेट डिसाइड किया होगा 100% उसको अचीव करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर अपने लेक्चर को कम्प्लीट करता हूँ। मैंने कुछ बहुत सी टेक्निकल बातें आपको कहीं, और जाते जाते मैं एक इम्पॉर्टेंट बात पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों को कंबाइन करके एक छोटे सी स्टोरी से अपनी बात को कंप्लीट करूंगा, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज हो आपके लिए, आप दोनों के लिए। एक जूलॉजी के प्रोफेसर अपने लेबोरेटरी में अंडे से तितली कैसे बाहर निकलती है इसको लाइव दिखाना चाहते हैं। उनके पास एक छोटा सा अंडा होता है तितली का, और वो सारे बच्चे उनको घेर के खड़े रहते हैं और उनको दिखाना चाहते हैं कि मैच्योर्ड हो गया है, अभी अंडा फटेगा, यहाँ से तितली निकलेगी, उसको लाइव देखना है, प्रैक्टिकल करा रहे हैं लैब में। अचानक प्रोफेसर का कुछ काम आता है, वो चले जाते हैं, बच्चों को बोल के जाते हैं कि मैं थोड़ी देर बाद आ रहा हूँ, आप इसको वॉच करिए कि तितली कैसे वहाँ निकलती है। लेकिन आप में से कोई से भी अंडे को बाहर से फोर्स लगा के कुछ उस पर हिट करके उसको तोड़ना नहीं। लेकिन प्रोफेसर कुछ देर तक नहीं आते हैं, बच्चों का पेशेंस जवाब देता है कि क्या पता कितने देर में निकला है। एक बच्चे शरारत से क्या करता है, उसको बाहर से हिट करके अंडे को तोड़ देता है, तितली वहाँ से बाहर निकलती है और थोड़ी देर जीने के बाद वो मर जाती है। प्रोफेसर फिर जब वापस रिटर्न आते हैं तो बोलते हैं हुआ, तो बच्चों ने बोला हाँ सर, ये अंडा फटा है, तितली बाहर निकली लेकिन थोड़ी देर में मर गई। प्रोफेसर ने इमीडिएट उनसे कहा कि तुम में से किसी ने इस अंडे को बाहर से तोड़ दिया। बच्चे कुछ देर तक झूठ बोलते रहे कि नहीं, हमने ऐसा नहीं किया है। लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रेशर डाला, उनको समझाया, तो उन्होंने स्वीकार किया कि सर हमने ऐसा किया। बच्चों ने प्रोफेसर से पूछा सर आपको कैसे पता चला। पता है प्रोफेसर ने क्या जवाब दिया, बोला कि बेटा जब तितली अंडे से बाहर निकलती है तो बाहर निकलने के लिए अंडे के कुकुन के आवरण को तोड़ने के लिए जो अंदर फोर्स अप्लाई करती है उस समय उसके अंदर में एक हार्मोन्स डेवलप होता है, और वो जो हार्मोन्स है वो दुनिया में बाहर में एटमॉस्फेयर में आने के बाद उसको जीने की ताकत देता है, और तुमने उसको बाहर से तोड़ दिया तो हार्मोन्स डेवलप ही नहीं हो पाया और वो मर गया। दोस्तों, हमारे लाइफ बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही चलता है। यदि हमने स्ट्रगल करने की क्षमता पैदा की है तो हम लाइफ में सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो मेरा लास्ट मैसेज आपको यही है कि आप खुद के अंदर, अपने बच्चों के अंदर सिर्फ एक प्रॉपर्टी डेवलप कर दीजिए, वो है स्ट्रगल। यदि बच्चा स्ट्रगल करना सीख गया तो सारे रास्ते ओपन हो जाएंगे, 100% अपने लाइफ में वो
सक्सेस होगा। ओके, थैंक यू। आपने मेरा वीडियो बहुत ध्यान से सुना और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह के वीडियो आपको लगातार मिलते रहें और मैथ फिजिक्स की वीडियो तो आप लगातार देखते हैं। ओके, थैंक यू, नमस्कार।